दोस्तों, शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि मौसम के रुख से मां भवानी के आने की दस्तक होने लगी है। ऐसे में जब आप नवरात्र से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो ये भी जान लें कि देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मां भगवती की प्रतिमा की स्थापना आप चाहे घर में करें या पंडाल में, उनकी प्रतिमा स्थापना की सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, तभी इसका आपको फल मिलता है। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं कि देवी भगवती की मूर्ति या फिर प्रतिमा की उचित दिशा कौन सी है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हर देवी देवताओं की प्रिय दिशाएं होती हैं, इसलिए हर देवी या देवता की पूजा भी उसी दिशा में करनी चाहिए। शास्त्रों में यह विस्तार से उल्लेखित भी है कि किस देवी या देवता की प्रतिमा किस दिशा में होनी चाहिए और साधक को किस दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए। देवी भगवती की प्रतिमा पश्चिम या उत्तर की ओर मुख कर रखनी चाहिए ताकि साधक जब उनकी पूजा करे तो उनका मुख दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में हो। यह दो दिशाएं ही देवी को प्रिय मानी गई हैं। पूर्व या दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा करने से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से चेतना जागृत होती है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इससे भक्त सीधे तौर पर भगवान से जुड़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर या मंदिर में जहाँ भी आप प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं उसके बाहर हल्दी या सिंदूर से स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर बनाएं। इसके अलावा देवी भगवती की प्रतिमा जब भी घर में स्थापित करें तो ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में 3 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही प्रतिमा का रंग या पूजा घर का रंग हल्का पीला, हरा या गुलाबी रखना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही घर परिवार के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।